नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एडुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी विषय हिंदी की कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 40 करेंगे, जिसकी दिनांक है 5 अक्टूबर 2020। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इस ये लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, जो आपकी क्षितिज बुक में से है। हम पढ़ रहे थे फादर कामिल बुल के, भारतीय ना होते हुए भी उन्होंने भारत में बहुत योगदान दिया। तो पढ़ते हैं आगे क्या दिया है। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, मतलब उन्हें कभी कभी ऐसा फील होता है, उनके कामों से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो मन से सन्यासी नहीं है। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं वो किसी से रिश्ता नहीं रखते। लेकिन बुल के क्या थे, अगर किसी से रिश्ता बना लिया तो फिर उसको तोड़ेंगे नहीं। दसियों साल बाद भी मिलने के बाद उसकी गंध महसूस होती थी कि हमेशा रिश्तों की मिठास, रिश्तों की जो एहसास उनके अंदर होता था। वह जब भी दिल्ली आते तो आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात मिलते, चाहे 2 मिनट के ही से, क्योंकि वो जब भी दिल्ली आते थे तो ज़रूर मिलकर जाते थे। यह कौन सन्यासी करता है बताओ, ऐसा सन्यासी कोई करता है? सन्यासी को तो किसी की परवाह नहीं होती, बस अपने में भगवान में लीन होता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वो ये चाहते थे कि जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा बने। हर मन से इसकी तकलीफ बयां करते थे, और वो जहाँ भी बोला करते थे, कहीं भी जाया करते थे, तो इसके लिए वो अपना जो दर्द था वो बताते थे। इसके लिए अकांटे तर्क भी देते थे, और बहुत सारे अकांटे मतलब जिसको हम काट नहीं सकते, इस तरीके के तर्क दे सकते थे, तर्क देते थे कि उनकी बात को काटने का किसी में कोई लॉजिक ही नहीं होता था, कोई चीज़ ही नहीं होती थी। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है कि जो हिंदी वाले हैं वही उसकी उपेक्षा करते हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और उनका स्वभाव ऐसा था कि सबसे पूछते थे, भाई घर परिवार कैसा है, ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं, ऐसे था उनका स्वभाव। और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना ही एक ऐसी रोशनी से भर देता था। और कितना भी बड़ा दुख हो, लेकिन वो अपने मुख से ऐसे अपने जादुई शब्द बोलते थे कि लोगों की तकलीफ ऐसा लगता था कि ख़त्म हो गई। क्योंकि कई लोग होते हैं ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो इसी तरीके से फादर कामिल बुल के भी थे, जो किसी गहरी तपस्या के जन्मती थे। हर मौत दिखाती है कि जीवन की नहीं रहा, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जो गहरी तपस्या करते थे उनको बहुत नॉलेज थी। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। और वो ये कह रहे हैं कि जब मेरे पत्नी और मृत्यु की पुत्र की मेरी मृत्यु हुई थी, तो फादर ने जैसे शब्दों से बहुत कम मतलब शब्दों में मुझे शांति दी थी, तो वो मुझे आज भी याद है कि फादर कामिल बुलके के शब्दों में कितना जादू था, कैसे जादुई शब्दों से वो दूसरे के दुख को कम कर दिया करते थे। तो ये बच्चों, ये आज की वर्कशीट में आपका, आप उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक तो हमने पढ़ लिया, अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से देंगे। लेखक को कई बार ऐसा लगता था कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। इसका कारण यह था कि फादर किसी से रिश्ता अगर बना लेते थे तो उसे किसी भी हालत में तोड़ नहीं पाते थे, बल्कि वे अपने रिश्तों को अंत तक निभाते थे। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है, फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते थे बताओ? दिल्ली की कचौड़ी खाते थे, क्या करते थे? तो कामिल बुल के जब भी दिल्ली जाते थे, वे ज़रूर किसी न किसी से मिल कर जाते थे। ऐसा नहीं है कि वो सन्यासी थे तो किसी से मिलते नहीं थे। अब तीसरे प्रश्न पूछा है, फादर की क्या चिंता थी? तो फादर की तो एक ही चिंता थी। क्या चिंता थी? फादर की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। ये हो जाएगा हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है। जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो चौथा प्रश्न है, वो है, फादर किस बात पर झुंझलाते थे? तो फादर को झुंझलाहट भी उन व्यक्तियों पर होती थी जो हिंदी भाषी होकर भी हिंदी की उपेक्षा करते थे। फादर इस बात पर हमेशा झुंझलाया करते थे। ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर है। अब पाँचवा क्वेश्चन एक एक्टिविटी के रूप में है जो आपको करनी है। वो क्या है क्वेश्चन?
प्रश्न है, कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ, जैसे फादर कामिल वुल्के हैं, किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसी व्यक्तियों की आपको सूची बनानी है, उनके कार्यों और योगदान को लिखना है। थोड़ा बड़ा प्रश्न का उत्तर होगा इसका, ये प्रश्न क्योंकि एक एक्टिविटी है, इसका थोड़ा सा बड़ा आंसर है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं। देखो, जैसे ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए हैं जो भारत में पैदा नहीं हुए लेकिन उन्होंने भारत में योगदान दिया है, जैसे कि इमरे बंगा थे, अंकियो हांगा थे जापान के, प्रोफेसर चोंग थे चीन के, पीटर वारिनिकोव थे रसिया के, रोनाल्ड मैकग्रार न्यूजीलैंड से थे, अब्राहम ग्रियसन थे। मैं मदर टेरेसा और फादर बुल्के से बहुत प्रेरित हूँ, तो उनके योगदान इस तरीके से हैं। मतलब दो लोगों के लिखे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के योगदान लिखना बहुत मुश्किल है। आप जिससे प्रेरित हैं वो लिख सकते हैं। मदर टेरेसा का कोलकाता में एक आश्रम था। मदर टेरेसा के बारे में लिखते हैं पहले, क्योंकि मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है और हमारे भारत में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है, तो मदर टेरेसा का नाम लिखते हैं। मदर टेरेसा का कोलकाता में एक आश्रम था। उस आश्रम में वे बेसहारा लोगों को ले जाती थी और उनकी चिकित्सा करती थी। जो बेसहारा होते हैं, कोई नहीं होता था उनका, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला, क्योंकि मदर टेरेसा ने लोगों की भलाई के लिए बहुत कार्य किया और भारत में ही रहती थी वो। फादर कामिल वुल्के बेल्जियम के एक मिशनरी के तौर पर भारत आए थे। भारत आकर मृत्युपर्यंत हिंदी, तुलसी और वाल्मीकि के भक्त रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1974 में उन्हें साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित करा। अभाव और संघर्ष भरे अपने जीवन के दिन बिताने के बाद बुल्को ने कई स्थानों पर पढ़ाई जारी रखी। तो ये हो जाएगा आपके पाँचवें प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना जो भी नए आए हैं, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, और कम से कम अपने 20 दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि सभी को जिससे इसका लाभ पहुँच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।